हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू हार्डमैन क्लासेस। माई सेल्फ सोनू हार्डमैन और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लेशियल सेंटेंसेस के बारे में। ये प्लेशियल सेंटेंस क्या होते हैं, तो इन्हें हम आजकल जानते हैं प्रीपोजिशन के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग क्या जानते हैं, इसे प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। अब आपने तो ये पढ़ा ही होगा आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल क्या आता है, आर्टिकल में हमारा ए एन एंड दी आती है, और प्रीपोजिशन में हमारा क्या आता है, तो देखिए प्रीपोजिशन में हमारा ये सभी आते हैं, ऑन से लेकर के ओवर तक। तो आज हम सीखने वाले हैं कि इन सभी वर्ड्स का यूज़ किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि अधिक मतलब जिसमें अधिक से अधिक लोगों को क्या होता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसका यूज़ किस प्रकार से किया जा रहा है। तो आज हम बहुत ही से बारीकी से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए हमारा पहला सेंटेंस क्या है कि पुस्तक संदूक के ऊपर है। इसका क्या हो जाएगा, हम लोग इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, द बुक इज़ ऑन द बॉक्स। ठीक है, द बुक इज़ एट द बॉक्स नहीं होगा, बॉक्स के ऊपर है यानी कि ऑन द बॉक्स। फिर क्या आ रहा कि पुस्तक मेज पर है। अब देखिए ये मेज पर है, अब ये मेज मान लीजिए कि ये मेरा मेज है, और मेज पर है मतलब क्या कि ये ऊपर में ही है, इसे सटा हुआ है ना, इसे सटा हुआ है, तो उसमें भी हम लोग क्या लगाते हैं, इसमें भी हम लोग ऑन लगाते हैं, यानी कि द बुक इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्या आ रहा, नेक्स्ट हमारा है कि क्लर्क सीट पर बैठा है। इसका क्या हो जाएगा कि द क्लर्क इज़ एट द सीट। अब आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होगा फ्रेंड्स, वो यही कि देखिए यहाँ पे पुस्तक जो था मेज पर है, यानी कि मेज से पुस्तक क्या टच है, टच में है इसका, इसलिए यहाँ पे ऑन लगा। तो यहाँ पर क्लर्क भी तो चेयर से टच में है, तो इस यहाँ पे हम लोग ऑन का यूज़ क्यों नहीं किए, तो यहाँ पर हम लोग ऑन का यूज़ इसलिए नहीं किए क्योंकि ये जो क्लर्क क्या है, क्लर्क एक सजीव है, और यहाँ पर आप एक बेसिक सचीज समझ लीजिए फ्रेंड्स, जो कि हमारा ट्रिक है वो यही कि जो भी हम लोग सजीव इंसान का बात करेंगे, ठीक है, मतलब जब भी हम लोग किसी सजीव के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग ऐट का यूज़ करते हैं, और यदि हम लोग निर्जीव के बारे में बात करेंगे यानी जिसके अंदर जान नहीं है, वहाँ पर हम लोग किसका यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। ये ट्रिक मैंने बनाया है जो कि बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि पुस्तक क्या है, संदूक के ऊपर है, तो ये पुस्तक क्या है, पुस्तक तो हमारा निर्जीव है, इसलिए यहाँ पर ऑन का यूज़ किया गया। ये यहाँ पर देखिए हमारा क्या, पुस्तक निर्जीव है, यानी यहाँ पर भी ऑन का यूज़ किया गया, लेकिन सेम सेंटेंस में यहाँ पर जो क्लर्क को बैठा दिया गया है, तो ये क्लर्क क्या है, ये तो हमारा निर्जीव तो नहीं है, ये कोई इंसान ही है, इसलिए यहाँ पर ऐट का यूज़ किया गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि दरवाजे पर हरा पेंट है। अब देखिए यहाँ भी क्या, दरवाजे पर, यानी देखिए हरा पेंट जो है वो भी देखिए दरवाजे से टच में है, तो क्या यहाँ पर टू लगेगा कि ऐट, सॉरी यहाँ पर ऐट लगेगा कि ऑन लगेगा, तो यहाँ पर देखिए ऑन लगेगा। क्यों ये ऑन इसलिए लगेगा क्योंकि आपको मैंने भी बताया कि ये निर्जीव का बात हो रहा, दरवाज़ा क्या है यहाँ पे निर्जीव है, यानी देयर इज ए ग्रीन पेंट ऑन द डोर, है ना, क्या हो जाएगा कि देयर इज ए ग्रीन पेंट ऑन द डोर। फिर देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है कि पिताजी दरवाजे पर खड़े हैं। अब देखिए पिताजी तो हमारे सजीव है ना, पिताजी क्या, ये तो सजीव है, तो इसके लिए देखिए क्या हो जाएगा सेंटेंस हमारा कि फादर इज स्टैंडिंग एट द डोर। यहाँ पर ये नहीं होगा कि फादर इज स्टैंडिंग ऑन द डोर, ये नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एट द डोर। तब आपको ये दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, कि ऑन और एट का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। अगर हम लोग सजीव का बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग एट का यूज़ करते हैं, और हम और अगर हम लोग निर्जीव का बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग ऑन का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि इसे फर्श पर मत छोड़ो, यानी डोंट लीव इट ऑन द फ्लोर। यहाँ पर देखिए सेम निर्जीव का बात करें तो क्या आ गया, ऑन का यूज़ हो गया। और यहाँ से आप सेंटेंस को भी पढ़ते जाइए फ्रेंड्स, क्योंकि ये सभी सेंटेंस हम लोग डेली यूज़ करते हैं, और यहाँ पर आप नए सेंटेंस को बैठा करके भी आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, डोंट लीव इट ऑन द फ्लोर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है कि मैं आपको घर पर मिलूँगा, यानी आई विल सी यू एट होम। अब देखिए यहाँ पर इंसान का ही बात हो रहा, तो क्या हो जाएगा कि आई विल सी यू एट होम। आई विल मतलब क्या, आई शैल सी यू, सी यू मतलब क्या, मिलूँगा, एट होम यानी घर पर। फिर नेक्स्ट क्या है कि कमला कमरे में आ रही है। अब यहाँ भी देखिए कन्फ्यूजन होता है कि इसमें इन टू और इन में, एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन किस में होता है, किस में भी होता है कि इन टू और इन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो भी मैं आपको समझाता हूँ, देखिए ध्यान से। तो कमला कमरे में आ रही है, यानी कि कमला इज़ कमिंग इन टू द रूम। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, तो श्याम और कमला दोनों कमरे में हैं, यानी श्याम एंड कमला बोथ आर इन द रूम। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ क्या है कि यहाँ पे कमरे में आ रही है, यानी यहाँ पर भी कमरे में है और यहाँ पर भी कमरे में है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा, यहाँ पे मेरा हो गया कमिंग इन टू, और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा इन का यूज़ हो रहा। तो ऐसा क्या यहाँ पे कन्फ्यूजन किया गया है, तो आपको
बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ, देखिए ध्यान सुनिए ध्यान से। कमला जो है कमरे में आ रही है, इसका मतलब कि कमला कमरे के अंदर क्या हो रहा है, प्रवेश हो रहा, प्रवेश कर रही है। मतलब जब कोई भी इंसान किसी चीज़ के अंदर अगर जाती है या जाता है, ठीक है, कोई भी इंसान अगर किसी चीज़ के अंदर जाता है तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इनटू का, ठीक है। और अगर कोई भी इंसान पहले से ही किसी जगह पे है, जैसे यहाँ पे देखिए श्याम और कमला क्या पहले से ये रूम के भीतर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इन का यूज़ कर रहे हैं। आई होप कि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, ठीक है। अगर कोई भी इंसान किसी चीज़ के अंदर जाता है, वो दरवाजे के अंदर जाए या किसी चीज़ के भी अगर अंदर जाता है, रूम के अंदर जाता है, तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, इनटू का यूज़ करते हैं। और यदि कोई भी इंसान पहले से ही दरवाजे के भीतर है या फिर रूम के अंदर है, यानी वो पहले से ही मौजूद है, तो उसमें हम लोग इन का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है कि गिलास में थोड़ा पानी है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि देयर इज़ लिटिल वाटर इन द ग्लास। अब देखिए ग्लास में थोड़ा पानी है, यानी यहाँ पे ग्लास में पहले से ही पानी मौजूद है, हल्का सा ही है लेकिन है, तो पहले से ये इसमें मौजूद है, इसलिए यहाँ पर हम लोग किसका यूज़ किए, इन का यूज़ किए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है कि मैं गिलास में थोड़ा सा और पानी डालूंगा, यानी डालूंगा यानी और पानी इसमें डालने वाला है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इनटू का यूज़ हो जाएगा, यानी आई विल पोर सम मोर वाटर इन द ग्लास, है ना। आई विल पोर सम मोर वाटर इन द ग्लास, सॉरी इनटू द ग्लास। फिर क्या है कि लोग नदी में स्नान करते हैं, यानी पीपल बाथ इन द रिवर, है ना, लोग नदी में स्नान करते हैं, तो क्या हो जाएगा कि पीपल बाथ इन द रिवर। अब ये तो नॉर्मल सा सेंटेंस है। फिर क्या है, बच्चा नदी में गिर पड़ा, यानी द चाइल्ड फेल इन टू द रिवर। अब कोई नदी में जानबूझकर तो नहीं गिरता है, जाहिर सा बात है ना। अब मान लीजिए कि कोई नदी के ऊपर, मान लीजिए कि नदी के ऊपर कुछ एक ऐसा पेड़ है जहाँ से वो छलांग लगा रहा, तो जब वो छलांग लगा रहा यानी क्या, वो नदी में जा रहा है, तो जब भी जाता है कोई भी इंसान किसी चीज़ के पास, तो क्या होता है उसके लिए इनटू का यूज़ होता है, ठीक है। और ये गिर पड़ा, तो गिर पड़ा को हम लोग क्या कहते हैं, फेल इनटू कहते हैं, ठीक है। यानी कि द चाइल्ड फेल इनटू द रिवर। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है कि हम बेंच पर बैठते हैं और किंतु पिताजी आराम कुर्सी पर बैठते हैं। कितना आसान है कि वी सीट ऑन द बेंच बट फादर सीट्स एट द आर्म चेयर। अब देखिए यहाँ पर ऑन और एट का यूज़ किया गया है। आपको मैंने बताया था कि सजीव और निर्जीव, यानी पिताजी क्या सजीव है, इसलिए यहाँ पर एट का यूज़ किया गया। अब यहाँ पर देखें हम लोग, अब ये हम लोग में तो बहुत कुछ आता है ना। यहाँ हम लोग तो ये नहीं बता रहा है कि ये हम लोग जो है सजीव के लिए है या निर्जीव के लिए है, तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन हो गया कि ये हमको बताया नहीं रहा, ये हमको यही नहीं बता पा रहा कि ये किसके लिए आया है वी, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ऑन का यूज़ किए हैं। लेकिन यहाँ पर एट से साफ पता चल रहा है कि ये सजीव के लिए आया है, जो कि हमारा फादर है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है तो देख लीजिए, नेक्स्ट हमारा है आप मेज पर क्यों नहीं बैठते, मतलब वाई डोंट यू सिट एट द टेबल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ते है लास्ट में, इसलिए क्या लगाया है, डोंट लगाया है, ठीक है। वाई डोंट यू सिट एट द टेबल। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि तुमने पुस्तक मेज पर क्यों नहीं रखी, यानी वाई डिडंट यू पुट द बुक ऑन द टेबल। देख रहे हैं ना, यहाँ पर कोई सजीव का बात नहीं है, यहाँ पर पुस्तक का बात है। तो पुस्तक क्या एक निर्जीव है, और निर्जीव के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं, यानी वाई डिडंट यू पुट द बुक ऑन द टेबल। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है कि कलम दराज के अंदर है, यानी द पेन इज़ इन द ड्रॉवर। ये देखिए पहले से ही मौजूद है, तो क्या हो जाएगा इसका कि द पेन इज़ इन द ड्रॉवर। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि वह आपके मकान के अंदर गया, यानी ही वेंट इन टू हिज हाउस। फिर क्या है कि पत्र डाक द्वारा भेजा गया, यानी कि द लेटर वॉज सेंट बाई पोस्ट, है ना, द लेटर वॉज सेंट बाई पोस्ट। पोस्ट मतलब क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना कि पोस्ट कर रहे हैं, यानी कि डाक के द्वारा भेज रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि इसे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, यानी कि प्लीज़ ट्रांसलेट दिस फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश, है ना, हिंदी इनटू इंग्लिश। आपको पता ही होगा कि इनटू हम लोग क्यों लगाए हैं। और एक बात मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि इंग्लिश को हम लोग उल्टा से सीधा की तरफ बढ़ते हैं, और उसे ट्रांसलेट करते हुए हम लोग इंग्लिश में सीधा बढ़ते हैं। इस प्रकार से हमारे ये इंग्लिश और हिंदी का ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमने केक को चार हिस्सों में बांटा, यानी वी कट द केक इनटू फोर पीसेस। अब देखिए हम लोग केक को बांट रहे हैं, यानी यहाँ पर अगर हम ये बोलते हैं कि वी डिवाइड द केक इनटू फोर पीसेस, ये भी सही होगा, और हम लोग ने चार भागों में केक को काटा, ये भी सही है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा, वह दिल्ली में रहता है पर उसका भाई फरीदाबाद में रहता है,
यानी ही लिव्स इन दिल्ली बट हिज ब्रदर लिव्स एट फरीदाबाद। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इन और एट का यूज़ ये भी एक है। इन और इन टू का यूज़ तो हम लोगों ने सीख लिया, अब यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं इन और एट का यूज़। तो इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है तो ये भी समझ लीजिए आप, जहाँ पर, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई बड़ा सिटी का नाम आया, यानी ठीक है, अगर कोई बड़ा शहर, बड़ा देश या बड़ा कुछ भी बड़ा का अगर नाम आया तो उसमें हम लोग इन का यूज़ करते हैं, और अगर कोई छोटा सा जगह का नाम आया तो वहाँ पर हम लोग किसका यूज़ करते हैं, फरीदाबाद का यूज़ करते हैं। आपको मैं और एक अच्छे से एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, सुनिए ध्यान से। मैं देखिए रहता हूँ कहाँ पर, मैं रहता हूँ वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में मैं कहाँ रहता हूँ तो यहाँ रहता हूँ मैं आसनसोल में, ठीक है। अब देखिए वेस्ट बंगाल क्या है, छोटा है? नहीं, वेस्ट बंगाल बड़ा है। क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर ही आसनसोल आ रहा, तो वेस्ट बंगाल के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, इन का यूज़ करेंगे। जो सबसे बड़ा जगह है उसके लिए हम लोग इन का यूज़ करते हैं, और जो छोटा जगह है उसके लिए हम लोग ऐट का यूज़ करते हैं। अभी आप कुछ भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐट का यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो फरीदाबाद दिल्ली के अंदर है और ये छोटा जगह है, इसलिए यहाँ पर ऐट का यूज़ किया है। लेकिन दिल्ली एक बहुत बड़ा जगह है, आपको पता ही है, क्योंकि ये हमारे भारत की राजधानी है, इसलिए यहाँ पे इन का यूज़ किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है कि हम दिल्ली जो भारत में है में रहते हैं, तो इसका क्या किया है, वी लिव्स इन दिल्ली विच इज़ इन इंडिया। फिर क्या है, हिमाचल प्रदेश कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत में है, यानी हिमाचल प्रदेश इज़ इन द नॉर्थर्न इंडिया। ये सब देखिए नॉर्मल से सेंटेंसेस है, आपको यहाँ पर समझना होगा कि किसका यूज़ किस प्रकार से किया जा रहा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, हिमालय भारत के उत्तर में है, यानी कि द हिमालयाज आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ठीक है, द हिमालयाज आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। फिर क्या आते हैं हम लोग यहाँ पे कि नेपाल भारत के उत्तर की ओर है, देखिए नेपाल भी क्या है, भारत के उत्तर में है, यानी द नेपाल क्या हो जाएगा कि नेपाल इज़ टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ठीक है, नेपाल इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। फिर क्या है, किसी व्यक्ति को उसके कपड़ों से मत जानो, ये सही बात है कि नहीं। अब देखिए कोई इंसान अच्छा कपड़ा पहना है लेकिन उसका जो चाल चलन है वो ठीक नहीं है, वो आपसे ठीक से बात नहीं करता है, आपको रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो वो जितना भी अच्छा कपड़ा पहन ले वो उसे कोई अच्छा इंसान नहीं कहेगा। लेकिन कोई गरीब इंसान ही है लेकिन अगर वो आपसे अच्छे से बात करता है, खुशी से बात करता है, तो वो एक बहुत अच्छा इंसान है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि डोंट जज ए पर्सन बाय हिज क्लोथ्स, है ना। अगर आप किसी को ये बोलेंगे इसके बारे में तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि डोंट जज ए पर्सन बाय हिज क्लोथ्स। इसी में क्या आता है कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, मतलब इसी का एक मुहावरा है कि किसी भी इंसान को उसके पहनावे से मत जानो, उसे हम लोग कहते हैं कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, तो नेक्स्ट है मैंने दूध से बोतल भरी, यानी आई फिल्ड द बॉटल विथ मिल्क, ठीक है, क्या हो जाएगा कि आई फिल्ड द बॉटल विथ मिल्क। फिर क्या है कि बाघ शिकारी द्वारा मारा गया, यानी द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर। फिर क्या है, पत्र उसके द्वारा पेन से लिखा गया, यानी द लेटर वॉज रिटन बाई हर विद ए पेन, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे जो देखिए विद का यूज़ करते हैं, इस विद का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो विद का यूज़ के बाद हम लोग सामान का यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी कि अगर हम किसी सामग्री का यूज़ कर रहे हैं, किसी सामान का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग किसका यूज़ करेंगे, विद का यूज़ करेंगे, ठीक है। और बाय का यूज़ कहाँ करेंगे, तो यदि किसी इंसान के बारे में बात हो रहा। तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि वह अपने भाई के पास खड़ा हुआ, यानी ही स्टूड बिसाइड हिज ब्रदर। अब यहाँ पे आपको भी एक जगह कन्फ्यूजन होगा, देखिएगा ध्यान से। फिर क्या है, मैं हॉकी के अतिरिक्त फुटबॉल खेलता हूँ, यानी आई प्ले फुटबॉल बिसाइड्स हॉकी। अब देखिए यहाँ पर बिसाइड है और यहाँ पर हमारा क्या बिसाइड्स है, दोनों में देखिए ना एकदम सेम है, थोड़ा सा कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ एक चीज़ का अंतर है कि यहाँ पर बिसाइड है और यहाँ पर बिसाइड्स है। इसका मतलब क्या हुआ, तो यदि देखिए कोई मेरे बगल में खड़ा है, मेरे पास में खड़ा है, तो उसके लिए हम लोग बिसाइड का यूज़ करेंगे। और यदि कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा है, जैसे कहते हैं ना सरप्लस, मतलब भी देखिए एक्स्ट्रा होता है, और यदि कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो इसमें भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, बिसाइड का यूज़ करते हैं, ठीक है, बिसाइड्स का। इस लग जाने पर क्या होता है, अतिरिक्त हो जाता है, ठीक है। यदि हम जैसे मान लीजिए कि आप रोटी के अतिरिक्त चावल भी खाते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बिसाइड्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी इंसान के बगल में खड़ा हो गए या फिर आप किसी सामान के बगल में खड़ा हो गए, तो बगल वाले के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिसाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ क्या एक माइंड में आ रहा हमारा, देखिए गुड और क्या है गुड्स। अब ये देखिए, अब आप ये बताइए गुड्स मतलब क्या होता है, गुड मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि गुड मतलब होता है अच्छा। यदि कोई इंसान अगर अच्छा है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसके बारे में, बोलेंगे अच्छा, ठीक है, उसके हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छा।
और गुड्स मतलब क्या होता है, यह इसका मतलब होता है सामान। देख रहे हैं ना कि सिर्फ एस लग जाने पे इसका मतलब पूरा अलग हो जा रहा। वही चीज़ यहाँ पर किया जा रहा किसमें, प्रीपोजिशन में, कि यहाँ पर बिसाइड है और यहाँ पर बिसाइड्स किया गया है। सिर्फ एस लगा दिया गया तो इसका मतलब क्या हो गया, अतिरिक्त हो गया, यानी एक्स्ट्रा टर्म के बारे में बात कर रहा। और यहाँ पर हमारा एस नहीं लगाया है तो इसके मतलब कि उसके बगल में खड़ा है, जैसे नॉर्मल सा बात है। फिर क्या, मिठाई को इसके बीच में बांट दो, यानी क्या हो जाएगा कि डिवाइड द स्वीट्स बिटवीन सुरेश एंड हरबंस, है ना। यहाँ देखिए डिवाइड करने का बात हो गया। फिर क्या है, शिमला पहाड़ों के बीच स्थित है, यानी बिटवीन नहीं होगा, अमोंग होगा, ठीक है। यानी शिमला इज सिचुएटेड अमोंगस्ट द माउंटेंस। फिर क्या है हमारा यहाँ पे, यमुना नदी पर पुल है, यानी देयर इज ए ब्रिज ओवर द यमुना। अब ये देखिए, यमुना नदी पर पुल है। अब ये नदी है तो क्या यहाँ पर तो पुल नहीं हो सकता है ना, सिंपल सा बात है। नदी नीचे में है, पुल हमेशा ऊपर में होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया कि देयर इज ए ब्रिज ओवर द यमुना, है ना। देयर इज ए ब्रिज ओवर द यमुना, यानी यमुना के ऊपर में है, वही यहाँ पे ओवर द यमुना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, गेंद को दीवार से ऊपर फेंको, यानी थ्रो द बॉल ओवर द वॉल, ठीक है, थ्रो द बॉल ओवर द वॉल। फिर क्या है कि पक्षी पुल के ऊपर उड़ रहे हैं, यानी बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ब्रिज। ये भी देखिए सेम है, ऊपर उड़ रहे हैं ना, तो ऊपर के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, ऊपर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ओवर का यूज़ करते हैं, ठीक है, कि बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ब्रिज। फिर क्या, राम राज और विकास के बीच में खड़ा है, यानी राम इज स्टैंडिंग बिटवीन राज एंड विकास। अब ये देखिए, वहाँ पर हम लोगों ने अमोंग का यूज़ किया था, अमोंग का यूज़ किया था, और यहाँ पर हम लोगों ने किसका यूज़ कर रहा है, बिटवीन का यूज़ कर रहा है। बिटवीन मतलब क्या, यदि कोई भी चीज़, सुनिए ध्यान से, यदि कोई एक चीज़, कोई इंसान बोलिए या फिर कोई एक चीज़ किसी दो चीज़ के बीच में स्थित है, ठीक है, उसके अगल बगल में कुछ है और उसके बीच में अगर कोई तीसरा चीज़ आता है तो उसके लिए हम लोग बिटवीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है कि राम सीता से आगे है और सीता जी राम के पीछे खड़ी है, यानी राम इज़ इन फ्रंट ऑफ सीता। इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है सामने में, यानी आगे है, और सीता इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। बिहाइंड मतलब क्या, पीछे होता है, यानी सीता इज स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। फिर क्या नेक्स्ट हमारा, हम दुविधा में है, पैसा हमारी जेब में है, अंदर कौन है। ये तीन सेंटेंस अलग अलग है, देखिए तीनों का क्या होगा, वी आर इन कन्फ्यूज़न, ठीक है, हम दुविधा में है, यानी क्या कि हम कन्फ्यूज़न में हैं। फिर क्या, पैसा मेरी जेब में है, यानी द मनी इज़ इन द पॉकेट, है ना, पैसा मेरी जेब में है, यानी क्या हो जाएगा, द मनी इज़ इन द पॉकेट, या फिर द मनी इज़ इन द इन माई पॉकेट, ये भी बोल सकते हैं। फिर क्या, अंदर कौन है, यानी हु इज़ इन साइड, अंदर का क्या हो जाएगा, इन साइड हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या आता है, तो नेक्स्ट हमारा है कि बच्चा छत से गिर पड़ा, यानी द चाइल्ड फेल फ्रॉम द रूफ, है ना, द चाइल्ड फेल फ्रॉम द रूफ। रूफ मतलब क्या होता है, छत होता है। फिर क्या है, नक्शा दीवार पर टंगा था, यानी द मैप वॉज हंग ऑन द वॉल। ये देखिए टंगा था, यानी यहाँ पे पास्ट टेंस का बात हो रहा है, उसके लिए यहाँ पे वॉज का यूज़ किया गया है, और ये क्या होता है, हैंग होता है, ठीक है। हैंग मतलब क्या होता है, लटकाना होता है, यानी टंगा हुआ होता है, तो उसी का ये भर्व का थर्ड फॉर्म यूज़ किया है, क्या, हंग के रूप में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, मुझे अखबार दो, यानी कि गेट द न्यूज़पेपर टू मी, है ना, गेट द न्यूज़पेपर टू मी। फिर क्या है, मेरे लिए अखबार लाओ, यानी गिव मी, सॉरी, यानी गेट द न्यूज़पेपर फॉर मी। देखिए ध्यान से, यहाँ पे मुझे अखबार दो, यानी क्या हो जाएगा कि गिव द न्यूज़पेपर टू मी, और मेरे लिए लेकर के आओ, यानी कि गेट द न्यूज़पेपर फॉर मी। ध्यान से देखिएगा इस सेंटेंसेस को। फिर क्या हमारा, शायद ये ख़त्म हो गया। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आपको आपको प्रीपोजिशन में कहीं भी प्रॉब्लम ऑप्शन नहीं होने वाली है, क्योंकि मैंने आपको हर एक डाउट से चीज़ आसानी से क्लियर कर दिया। सो थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे। अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नए वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन गुड बाय।